मुरैना जिले की जोरा तहसील के अंतर्गत महिला बाल विकास कार्यालय पर यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। दिल्ली लक्ष्मीबाई का फॉर्म लेने आए थे तो इनने कैसे लिए थे और बोले थे कि हमने बोला कि अब ये अब फॉर्म जमा करेंगे तो पैसे वगैरह लगेंगे, तो बोले क्या 200 रुपये अलग से लगेंगे, फॉर्म देने आएंगे क्या। किसने कहा आपसे, किसने पैसे मांगे? जितेंद्र गौड़ है। ये कौन है यार? ये बोलता है कि मैं तो प्राइवेट बैठता हूँ। तो इस संबंध में आपने किसी बड़े अधिकारी से शिकायत की? शिकायत की हमने, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्या कहा अधिकारी ने आपसे? कुछ बोले नहीं, ऑफिस में गए तो हम वैसे ही वापस लौट आए। खुले ना आदमी पास खुले ही ला के खुले नहीं यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि जो भी सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरे जाते हैं उनके नाम पर उनसे 200-250 रुपये वसूल किए जाते हैं। इस संबंध में जब महिला बाल विकास अधिकारी सरिता चतुर्वेदी से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा ये बोला गया कि मैं इस संबंध में आपसे कोई बातचीत नहीं करूँगी। जबकि महिला बाल विकास अधिकारी सरिता चतुर्वेदी के कार्यालय में प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर जो सरकारी योजना के फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं उनसे आम जन से 200-250 रुपये वसूल कर रहे हैं। आम जन से वसूली की जा रही है या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं महेश के साथ एक्सप्रेस मुरैना।